पिला दर्शन दौंस प्रभु रामलाला पांच बर्षर बाड़क रूपे आज जी प्राण प्रतिष्ठा पाई प्रभुंर अपूर्व महिमा आज बिना पास रे सर्वसाधारण दर्शन मना सत्वे आज रामलाला दर्शन को कई अटक पारना समस्ते आसी एक्सक्लूसिव विजुअल आम देखा प्रथम आप भजन शुणी नि लोक मन के उत्साह सोचे थे आज का जो भव्य मंदिर बना हुआ है सभी दर्शन करें कल्पना से दूर है, हम कल्पना नहीं कर सकते थे ऐसा मंदिर दिव्य मंदिर बनना, ये स्वर्ग से भी सुंदर लग रहा है। प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और आज तो दर्शन मना था, फिर भी कैसे आप आ गए? जब हम बैठे थे जब खाना खाया हमें इनको बोला मैं चलो दर्शन करते हैं, देख नहीं कृपा हुई और पता चला कि भाई मंदिर खुल रहा है, मीडिया के लिए लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, फिर वहां से जो है दर्शन के लिए निकाल दिया। कैसा अनुभव है ये जो भव्य मंदिर देखकर हम तो झूम रहे गा रहे सब, अयोध्या आज दीपावली मना रहा है, तो आपका महसूस क्या है सर जब यहाँ पे आपने भगवान जी के दर्शन कर लिया? अनुभव क्या बताए कि आंसू ही रुकने को नहीं आ रहे है, सच बताऊं मैं खुशी के आंसू है, मतलब हमें उम्मीद नहीं कि आज हमें दर्शन होंगे, लेकिन भगवान ने हमें बुला लिया और हमारा जीवन सफल हो गया, आप समझ लीजिए। 22 जनवरी 2024 ये दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आएगा, 500 साल से जैसे बोलते आ रहे हैं 500 साल से वेट कर रहे थे, वो आज हमारा जो सफल हो गया, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे और आदित्यनाथ योगी CM UP के, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, हम इनकी वंदना सराहना करते हैं, ऐसे ही होना है, सभी जितने भी पॉलिटिक्स जो लोग हैं सभी को ऐसी सोच है। सच में सर दीपावली की याद आती है, सच में दीपावली लोग मना रहे हैं? बिल्कुल हर जगह मना रहे हैं, और हम जहाँ पे हैं जम्मू में तो लोगों ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सफाई अभियान और ये जितने भी कैंडल्स जो है ऐसी जलाई हुई है पूरे। हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी पड़ता है, यहाँ कटरा वैष्णो देवी विराजमान है। जब आप आए ये जो क्या हुआ है सजधज हुआ है पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ है अयोध्या, तो मन में क्या भाव आती है जब मंदिर आ जाते हैं? आप पहली बार यहाँ आए हैं मंदिर में दर्शन किए, आज तो प्रधानमंत्री आए थे बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, क्या अच्छा लगा मंदिर के बारे में? यहाँ पर ऐसे लगता है कि आके आप प्रभु के चरण में पहुँच गए हैं, ऐसे लगता है कि आप अयोध्या में जो पुरानी अयोध्या थी उस टाइम का हमें याद आता है कि पता नहीं हम काश हम उस टाइम पे होते, तो ये उसी तरीके का अनुभव है, हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि भगवान के चरणों में पहुंच गए हैं। महाराज जी आज का अनुभव कोई बता नहीं सकता, सिर्फ अनुभव कर सकता है, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आपका महसूस क्या है? जी ये तो बहुत आनंदित हो रहा है, इसे बखान करने का जोग नहीं है, क्योंकि इतना आनंद आ रहा है मुझे कि यह लग रहा है कि स्वर्ग हो गया है, एकदम अयोध्या स्वर्ग हो गया है, और बहुत दुल्हन के जैसा सजा हुआ है यह मंदिर देख के मुझे बहुत आनंदित हो रहा है। रामलाला की दर्शन किया आपने? मैंने किया, बहुत सुंदर उनकी भव्य मूर्ति देख के मुझे बहुत आनंद, आंखें नमी हुई? हाँ हाँ बहुत, मुझे आकर्षित किए वो मूर्ति देख के मुझे बहुत आनंद। ये एक्सक्लूसिव चित्र हमें देखौथुलु अयोध्यार प्राण प्रतिष्ठा पाइथवा नुआ मंदिर, जो मंदिर समस्तंकर अपेक्षा थिला, कैमरा पर्सन सुमंत आपनकु टिके विजुअल देखैबे, ये भव्य मंदिर दिव्य मंदिर जहार वर्णना करबा सहज नुहे, जहाँ को विश्वास करबा मध्य कोठना कोठी जेमति लागुची ये सत नुहे, ये किछि गप किंतु एहा सत, आज सत होइछि 550 वर्षर से संघर्ष, 550 वर्षर से तपस्या, से बलिदान भित्तिभूमि रे आज एते प्रभु रामलाला विराज छथि, से दिव्य अनुभव केवल कहा जाय परे, से जो अयोध्यार गलिकंदी वर्तमान दुल्हन बेसरे सजे हेची ये सत, ये अनुभव करा जाय परे। आजर संध्या आ तारीख पे तारीख नाही, केवल गोटिए मात्र तारीख से होची 22 तारीख जनवरी 22 2024, जहार सूर्योदय जहार सूर्यास्त इतिहास रो एक स्वर्णिम अध्याय, इतिहास रो एक स्वर्णिम अक्षर होई रहिबो बोली प्रधानमंत्री मध्य कहिछन्ति, एहा आमे मध्य अनुभव करछु। अयोध्यारु कैमरा पर्सन सुमन साहू के सह स्वप्नांजलि महांती, अर्गस न्यूज।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।